वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो शुरू करते हैं एमएमआ कबीर। आज की वीडियो मेरी को यूं एमएमआ कभी अठाओ वो रैप। चलो कूड़ी वाली बाल्टी में फेंको। जहाँ फेंकने का क्या काम है वो नीचे भी पड़ा एक छापर, वो भी उठाओ छोटा छापर। बुरी बात होती है मुझे। चलते हैं नेक्स्ट। समय मैंने रैपर उठा के डाल लिए बाल्टी में। तो अभी मैंने आज एक चीज़ खरीदनी है, वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या चीज़ मैंने खरीदनी है, वो लेके आती हूँ बाहर से। उसमें सब्ज मिर्च वगैरह इंसान जब चटनी वगैरह बनाता तो हाथ के उससे खुद बारीक कर लेता है। तो ये इसमें आटा गूंथ के लिए ये दो चीज़ें ली हैं मैंने। तो अभी अंदर रखती हूँ इनको। जब खरीद तो ली कर ली, इस तरह की कोई चीज़ नहीं ली। पीछे अभी बच्चों को देना है दूध। दूध मैंने सुबह के गर्म कर लिया है। ये मामा बढ़िया दूध पी रही है। भाई को भेजो कबीर को, ठीक है ना। तो ये हमारे हमसायों की इधर शादी है, उधर भी जाना है। तो ये लगानी है मेहंदी। ये डिज़ाइन मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी और ये वाला भी, और दूसरा एक डिज़ाइन है वो मामा बिटिया के हाथ अभी छोटे हैं। मामा बिटिया कह रही है कि मैंने ये लगाना है, ये उसने पसंद किया है तो यही हम लगवाएंगे। चलते हैं पार्लर। चलो बेटा जी नाश्ता करो, आज संडे है सुबह सुबह। आज रोटी नहीं खानी सुबह, जी इन्ना खर्चा किया पनीरी तो एक खाओ सुबह सुबह। जो सुबह सुबह उठनी है नमाज पढ़ी तलाक की, जो डेली रूटीन है मेरी वो किया। आज संडे है बच्चों, वो खाना मैंने पहले नहीं बना के दिया। मैंने कहा जो पनीरी वगैरह पे इतना खर्चा किया हुआ लेकिन ये खाते नहीं, तो आज इनको लेके बैठी हूँ कि ये पहले खाओ। तो अभी समीर बेटे ने कप चाय का उठा लिया लेकिन ये नहीं खा रहा। चलो खाओ जी जल्दी करो, मैंने भी आपके साथ खाना। इधर मेरे नज़दीक करो चिरे आप करो। ज्यादा कप खाली है तुम यहाँ तक 10 मिनट जल्दी आओ, मैं खुद खिलाऊंगा। आज तो फिर तुम मेरे कप की हो ठीक है ना। एक एक चमचे तो मैं मोल देता ना तो दस के। बिस्मिल्लाह इतनी शुरू कर दी अगे आप भी, नहीं तो मेरी स्टिक कितनी है, मैंने स्टिक भी दे दो फिर अगर तुम खा कोई चीज खाओगी नहीं। हाँ जी हम तेरे वाले में बड़ा चलो पावा नहीं देखी नंगता नहीं ने जेड़ा दोबारा ये नंगे गल इधर कर। बिस्मिल्लाह खाओ तू तो हर वजह से है इन्ना खर्चा करनी का की फायदा जी कोई चीज तुम खानी कोई नहीं। नहीं सोना काम नाश्ता
जल्दी करो जल्दी, अब पूरी फिनिश करनी है मेरे नाल। तू खा छोटा, जो बड़े करना वही छोटे कर दे होंगे। दुनिया करने का फायदा नहीं है, ये खाने नहीं, इन्हें कोई डांट खाए मेरे को। तेरे मुझे नहीं खत्म हुई, जल्दी करो ये नाश्ता हम कर लेंगे। संडे टीम जो भी सीन बनाकर अपने मेहमानियों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी मैं खुद भी खाती हूँ और चाय साथ साथ चाय पीती हूँ। लस्सी भी मैं बनाने वाली है बच्चों को, मेहमा बेटिया को ना, कबीर को। जल्दी भूख लग जाती है, मम्मा जी जल्दी करो जल्दी, है ना, इसी तरह ही है ना। तो अभी फिर नाश्ता करती हूँ, फिर बच्चों का अभी ट्यूशन, इन्होंने जल्दी जाना, इनकी टीचर ने बुला लिया है, टीचर ही इसकी जा रही है शादी पे, तो इसलिए तो ये नाश्ता करके जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। फिर मैं करूँगी घर के काम जो भी सी, अपने बहन भाई के साथ शेयर करूँगी। अब मैं खुद भी नाश्ता, बड़ा नाश्ता कर लिया तो उठ के पढ़ पे। खैर मैंने रहीम नाश्ता करके बच्चे चले गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैंने खुद नाश्ता किया। तो अभी ये चूल्हा गंदा हो चुका था, ये टैले शैले जो लगाई हुई है ना, ये सारी इन पे थोड़ी थोड़ी धूल पड़ी हुई है, जिस तरह गैस चलता है तो चिकनाई वगैरह होती है। तो आज मेरा दिल है ये सारी साफ़ करने को, क्योंकि बच्चों आज संडे है तो बच्चे नाश्ता करके गए, थोड़ा सा लेट आएंगे, उनके आने तक मैं ये बर्तन वगैरह और ये सारी टैले शैले साफ़ कर लेती हूँ। तो बाकी जो चीज़ें नीचे से ये शेल्फ़ है ये भी सारी साफ़ करने वाली, ये कपड़ा मैंने रखा हुआ है, बाकी इधर वाला चूल्हा साफ़ हो जाता है रगड़ने के साथ, ये वाला नहीं होता। इस पे पतनी तवे पे रोटियां बनती हैं, जो देसी घी होता है सारा इधर गिर जाता है, जो छिट्टे वगैरह पड़ते हैं, तो इसलिए साफ़ ही नहीं हो रहा। तो अभी ये टैले वगैरह सारे कपड़े के साथ मैं इस तरह साफ़ कर लूँगी इनके ऊपर, क्योंकि किचन में मक्खियाँ वगैरह भी आ जाती हैं जब बैठती हैं, तो वे ये सफ़ेद टैले हैं बिल्कुल, फिर गंदी लगती हैं, तो इसलिए ये सारी कपड़े के साथ मैं साफ़ कर लूँगी। तो मैंने कहा साथ साथ अपने बहन भाइयों के भी साथ शेयर कर लूँ कि संडे का दिन किस तरह गुजरता। अभी बच्चों ने आना, खाना छाना बनाना है, तो फिर उनको संडे वाले दिन जो उनके नाखून काटने होते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह, वो तो डेली का काम है धोने लिखते हैं। इधर बाद में ये इसके साथ साबुन लगा के अच्छी तरह साफ़ करूँगी, क्योंकि इधर बर्तन धोते हैं सिंक के पास, तो ये चिकनाई वगैरह इधर ज़्यादा लगी हुई है, और दूसरी तो कपड़े के साथ ही साफ़ हो जाएगी। इस तरह गीला कपड़ा लगा के हमारा तो इधर थोड़ा सा करना पड़ेगा मुझे इस तरह, क्योंकि ये सफ़ेद टैले हैं। इधर साबुन के साथ, बर्तनों वाले साबुन के साथ ही मैं लगा रही हूँ, वैसे तो वो बर्तनों वाली ब्लीचिंग वगैरह भी पड़ी हुई है, उसके साथ ज़्यादा साफ़ होता है, तो चलो इसके साथ ही साफ़ कर लूँ। बच्चों के आने से पहले एक और भी मैंने काम करना है, क्योंकि कल की जो मट्टी वाली सनारी ली हुई है और कुंडी, उसके साथ बच्चे कहते हैं मम्मा इसमें क्या करते हैं, आगे तो आप रात में आटा गूंथी, तो इस दफ़ा आप ये क्यों लिया है, उनको अभी दिखाना है मैंने आटा गूंथ के किस में किस तरह मैं आटा गूंथ रही हूँ, तो वो कब के मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आज ये पहले सफाई वगैरह कर लेती हूँ अच्छी तरह, तो उसके बाद करूँगी आटा गूंदूँगी, जब वो आएंगे तो तब उनको खाना बना के दूँगी, वो भी देख लेंगे मम्मा हमारी कनाली में किस तरह आटा गूंद रही है। तो उनको, क्योंकि उन्होंने तो जब के बड़े हुए हैं पराती देखी है, पराती मैंने लगाई हुई थी, तो कनाली ली नहीं, कनाली मैंने जो मट्टी के बर्तन निकाले सिर्फ एक कुंडी ली है, आगे एक कुंडी थी, तो और मट्टी के बर्तन मैंने लिए ही नहीं है, तो ना मेरे पास इतनी गंजाइश बनी है। बस शुक्र है खुदा का, जितने में खुदा रखे ये सफाई कर रही हूँ साथ साथ, तो सांस इतना पूरा है, तो इसलिए तो अभी ये सारा साबुन मैं उतारती हूँ, कैमरा बंद करती हूँ क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में ही है, तो ये सारी टैले इस तरह साफ हो गई हैं, क्योंकि इधर ही ज़्यादा चकनाई होती, बाकी चकनाई कम ही होती है, वो गीले कपड़े के साथ ही टैले साफ़ हो जाती हैं। तो अभी ये बंद करके तो कैमरा बंद करती हूँ, ये सारी चीज़ें साफ़ करके रख लेती हूँ। रहमान रहीम
ये आटा मैंने गूंद के रख लिया बच्चों की फरमाइश की वजह से, मम्मा जी आज करानी में आटा गूंदना है तो गूंद के रख लिया है। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया गूंदने का, क्योंकि परात आगे पीछे होती रहती, हिलती रहती, कभी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन कनाली नहीं होती तो आटा काफ़ी आसानी से गूंद भी जाता है, प्यारा प्यारा गूंदते हैं। तो अभी ये ड्रमी में से आटा ख़त्म हो चुका है, जो काफ़ी दिनों का थोड़ा या पीने के पापा इधर थे तो उधर का इधर पड़ा है, तो आज ये उठा के इसमें डालती हूँ। बच्चे मेरे बाहर खेल रहे हैं तो ये उठा के डालती हूँ, तो रोटी भी पकवानी है, पकवानी है अजय, तो उसके बाद जाना है मलाद पे, मलाद का पैगाम आया हुआ है, तो जल्दी जल्दी ये काम सारे ख़त्म करके जाने हैं। बच्चों को घर छोड़ के जाऊँगी और खुद मैं जाऊँगी अकेली मलाद पे। तो अभी जो पहले आटा उठा के इधर डालती हूँ। रहमान रहीम, जो सफाई वगैरह करके सारी किचन की सारे बाहर अंदर बाहर सारी सफाई कर ली है, तो अभी दूध गर्म रखा है और रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, तो हर चीज़ माशाल्लाह जी साफ़ सुथरी हो चुकी है, तो अभी रोज खाना खाते हैं, तो उसके बाद मैंने मलाद पे जाना है। तो वीडियो के एंड में इधर ही करती हूँ, ये हमारी आज की वीडियो, जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।